साई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। अभी अभी आप लोग ने संध्या आरती किया, बहुत कीर्तन भी किए होंगे, जय ध्वनि भी किए होंगे, तो इसलिए हम शॉर्टकट में केवल आप सभी के जय करते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक कौन सा बोला आपने? 11:237। तो आज सायंकालिक सत्र में चर्चा करने के लिए मुझे बताया गया कि हमारा यार बहुत भक्त हैं, बहुत सीरियस हैं, बहुत दिन से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको ये जिज्ञासा है कि आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आवश्यकता क्या है। समझ में आया ना प्रश्न? अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, गुरु का क्या आवश्यकता है उसमें? तो आध्यात्मिक जीवन छोड़ दीजिए, भौतिक जीवन में तो है ना, इसी जीवन में आप में से जितने पढ़े लिखे हैं, कोई घर से पढ़ करके डिग्री लिए ना स्कूल कॉलेज में गए हैं, स्कूल कॉलेज तो टीचर होंगे जरूर, घर में भी कोई टीचर के बिना पढ़ सकते हैं क्या? अरे कोचिंग में जाना पड़ता है, ट्यूशन ऑनलाइन, बिना गुरु के तो कुछ नहीं है ना। नहीं, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कोई तो गाइड चाहिए, किससे सीखे, किससे जाने, है ना। नहीं, अपने आप में होता है क्या? नहीं। एक समय आप गुरु नानक देव का नाम सुने? आज से लगभग 400-500 साल पहले के बाद उनके जमाना, बहुत बड़े आध्यात्म पुरुष थे उन्होंने, तो उनका अनेक अनुयायी थे, तो उन्होंने सोचे कि मैं इस कलिजुग के अधिदेव श्री जगन्नाथ भगवान जुगाधिदेव हैं, परम ब्रह्म परम पुरुष भगवान है, उनके दर्शन करना चाहिए। तो उन्होंने जगन्नाथपुरी गए दर्शन के लिए। तब जवान तो ये सब था नहीं व्यवस्था, केवल चल कर जाना होता था पैदल में, अनेक जंगल पहाड़ नदी, नदी में इतने ब्रिज नहीं हुआ करते थे, पार करके पैदल में रास्ता में रुकते रुकते महीना दिन लग जाता था चलते चलते पूरी पहुंचने में। आजकल तो आप गए खुश 2-4 घंटा पहुंचे दर्शन के आ गए। तो उनके साथ लगभग तभी जब उन्होंने 500 लगभग उनके अनुयायी चलते थे नानक पंथी, और उन्होंने पहली बार पूरी गए तो पता नहीं था रास्ता घाट किस प्रकार कहाँ, तो इतने लोग कहाँ रहेंगे। तभी जमाने में तो ये धर्मशाला आदि भी बहुत कम हुआ करता था, बाथरूम वगैरह घर के अंदर नहीं हुआ करता था, तो कहीं ऐसे सरकारी व्यवस्था देखते थे कि जहाँ सभी लोग का निपटा हो जाए, कि नदी हो जंगल पहाड़ जहाँ सबका काम हो जाए। तो पुरी में समुद्र है विशाल, आप लोग पुरी देखें कोई? हाँ कोई देखे हो, समुद्र है वहाँ, आपके यहाँ राजस्थान में तो नहीं है, वहाँ है। तो समुद्र के तट पर उन्होंने अपने टेंट लगाए, वहाँ बैठे थे सब। अब तभी जमाने में इतने पूरी में इतने गहल चल इतने होटल भीड़ भाड़ नहीं था, मंदिर से दिखाई पड़ता था समुद्र, बिल्कुल क्लीन था, सारे तरफ घना हरियाली, नारियल का पेड़, और काम वहाँ कुछ सेवक के बस्ती बस दैट सीट, और कुछ नहीं थे, तो इसलिए पूरा खुला समुद्र से दर्शन होता था, मंदिर का मंदिर से भी समुद्र दिखता था।
तो वहाँ बैठे थे, तो विचार कर रहे हैं कैसे स्नान टान करेंगे, मंदिर में जाएंगे, पता लगाएंगे कैसे जाएंगे, खान पान क्या करेंगे। तो पुरी में जगन्नाथ जी के सेवक बहुत होते हैं, पंडा पढ़ियारी। तो एक इस रास्ता पर गुजर रहा था, देखा अरे बहुत बड़े ग्रुप आए हैं, मंदिर जाने से तो हमको कमाई अच्छा हो जाएगा, ये यहाँ क्यों बैठे हैं? लेकिन कोई मंदिर फंदिर जाते नहीं, सब तो अपने गुरु जी की ओर देख करके बैठे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं। वो आकर खूब गाली गुलज किया, उनको तो ही आता है। अच्छा था कि वो लोग उड़िया भाषा समझते नहीं थे, पंजाबी थे, उनको समझ भी नहीं आ रहा था, बोले तो कुछ कह रहा है उनको कुछ समझ, वो अपने कस के गाली देता था, उनको कुछ पता नहीं चलता था क्या बोल रहे हो लेकिन उनके अंग भंगी से नानक देव समझ गए उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। कि वो कह रहा था कि यहाँ ये गुरुगिरी क्या कर रहा है, यहाँ साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान है, ये क्या कर रहा है तू यहाँ आकर धंधा लेकर, जा से मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन ना करके यहाँ बैठ गया गुरुगिरी कर रहा है यहाँ से, वो गाली दे रहा था। बोला ये क्यों कर रहा है? तो नानक देव समझे कि उन्हें इसलिए गाली दे रहा है कि मैं ये गुरु बन करके यहाँ बैठा हूँ, तो भगवान सीधा सीधा है, जाकर कोई सीधा भगवान को दर्शन करे, उनके बात करे, प्रसाद खाए, ये फिर बीच में ये नौटंकी क्या है। तो उनके इस प्रकार सांकेतिक गाली गुलस से बाकी सबको भी समझ में आ गया कि इसलिए क्रिटिसाइज हमको कर रहा है, हम गुरु जी के फॉलोअर है, यहाँ साक्षात भगवान जो सीधा सीधा उपलब्ध, फिर ये क्यों? सब आश्चर्य होकर देख रहे थे, क्या बात है, ये क्या सही है कि गलत है, क्या है, उसमें समझ में नहीं आ रहा। हाँ सही बात तो, यहाँ ठाकुर जी तो साक्षात बैठे हुए हैं। तो गाली गुलाज देख सा तो नानक जी ने बुलाया, बोले गुरु जी पंडित जी इधर आइए, बड़े सम्मान से उनको बुलाए। बोले क्या ना, देखिए हम तो मंदिर तो जाएंगे, बड़े दूर से आए हैं, पहली बार आए हैं, पता नहीं, जाना तो चाहते हैं, जाएंगे ही, कैसे जाएंगे, आए दर्शन करने के लिए, उनको दर्शन बिना कर कैसे जाएंगे। लेकिन हमारा एक नियम होता है ना, क्या हम प्रतिदिन सुबह थोड़ा अग्निहोत्र करते हैं, मतलब अग्निहोत्र समझते ना, होम यज्ञ, यज्ञ तो बड़ा होता है, होम मतलब घर में छोटा मोटा जो करते ना, थोड़ा स्वाहा स्वाहा छोटा मोटा थोड़ा करते हैं, उसको होम करते हैं, हम थोड़ा इस होम करना चाहते हैं। तो हाँ हाँ कीजिए ना, बात है कि आग नहीं हमारे पास, लकड़ी घी तो है, थोड़ा अग्नि चाहिए हमको इसी होम के लिए, यज्ञ के लिए थोड़ा चाहिए, आप मदद कर सकते हैं ना? क्यों नहीं, बाजू में अगले मेरा घर है, मैं ले आता हूँ, जाकर माचिस ले आया, मान लीजिए यज्ञ कीजिए। तो नानक देव बोले पंडित जी क्षमा करें, मैं तो माचिस नहीं मांगा था आपसे, मैं तो अग्नि मांगा था, माचिस मुझे नहीं चाहिए, माचिस नहीं चाहिए, अग्नि चाहिए, माचिस नहीं चाहिए। ले गया, सोच रहा हूँ अग्नि किसी को माचिस नहीं ले रहा है। तभी जमाने में कैंडल नहीं होता था, एक होता था डिब्बी, जानते डिब्बी क्या होता है, आप जानते ना, बटल में एक तेल डाल करके डिबरी डिबरी बोलते हैं, समझ रहे, डिबरी क्या होता है, लैंटिन का ऊपर में वो ग्लास रहता, बिना ग्लास वाला ओपन लैंटिन, चिमनी, ओके मुझे पता नहीं अपना भाषा में, चिमनी, यस वो चिमनी जला लेकर आया। बोले ये लीजिए, तो राम जी बोले गुरु जी मैं तो चिमनी तो नहीं मंगाया था, मैं तो अग्नि चाह रहा था, आग जलता हुआ आग नहीं दे रहा, समझ में नहीं, अग्नि मांग रहा है, अरे ये ले दे रहा हूँ अभी नहीं रहा है। तो सोच सोच कर कैसे अग्नि दूं, उनका कुकिंग हो रहा था, लकड़ी से कुकिंग होता हुआ, ये जलता हुआ लकड़ी लेकर आया, बोला ये आग ले, अग्नि तो है ही है। नानी जी बोले पंडित जी ये तो जलता हुआ लकड़ी है, मैं तो अग्नि चाहिए था। वो गुस्सा आ गया, बोला अरे मूर्ख कहीं के, यही अग्नि नहीं, हम बार बार मैं माचिस लेकर आया, ये लेकर आया, बोला अग्नि चाहिए, वो नहीं चाहिए, अरे अग्नि कैसे लेकर आऊँ, हाँ कोई तो माध्यम चाहिए, बिना कुछ आधार में अग्नि कैसे आ गया, अग्नि पकड़ कर लाऊंगा हाथ नहीं जल जाएगा,
अग्नि लाएगा कैसे, अग्नि दूंगा कैसे, तो अग्नि लेगा कैसे। गुस्सा होकर गाली दिया, और तीन तीन बार मुझे धोखा दे रहा हो, तो अग्नि चाहिए ये नहीं चाहिए। तो नानी जी बोले, पंडित जी गुस्सा क्यों हो रहे, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि सामान्य अग्नि मुझे चाहिए था, वो आप फुलाने के लिए तीन बार में गुस्सा होकर बोलते हैं कि बिना कोई माध्यम से, बिना कोई आधार से अग्नि लाया नहीं जा सकता, अग्नि दिया नहीं जा सकता, अग्नि स्वीकार नहीं किया जा सकता, है ना। नहीं अगर नहीं समझ को समझ में सबका। बोली ये सामान्य अग्नि छोटा सा, मैं एक दो चार छोटी छोटी लकड़ी जलाना है, इसके लिए बिना आधार में बिना माध्यम में अग्नि नहीं ला सकते। तो भगवान तो मूल स्वरूप तेजस तेज हैं, अग्नि हैं, तो उनको बिना कोई माध्यम में बिना कोई आधार में कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जो सामान्य एक आग को बिना आधार से नहीं लाया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, तो भगवान को कैसे प्राप्त सकते हैं बिना कोई आधार से बिना कोई माध्यम से, हो सकता है। तो आग भी नहीं ला पाए भाई, तो भगवान तो बड़ी आ गए। तो बोला ठीक, भगवान के प्राप्त करने के माध्यम यही है गुरु, उनके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। हमारे आचार्य प्रभुपाद कहाँ करते थे, गुरु इज पोस्टमैन, पोस्टमैन आपका नाम से टेलीग्राम आया, मनी ऑर्डर आया, वो उसको खोल कर कुछ लेता नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, आज ही टीस ला कर आपको दे देता है, आप उसको दो पैसा दो नहीं दो आपके ऊपर है, है ना। नहीं उनका काम वाला कर देते, कोई कुछ नहीं करेगा, जो आया उसको आपको दे दिया। वो कहते थे जो भगवान के उपदेश है, भगवान के आदेश है, हम उसे कोई छटका नहीं, सीधा सीधा ला कर आपको दे देंगे, ये आया आपके नाम से आप ले। यही कर्तव्य होता है गुरु का, अगर हम अपना कुछ उसमें डालें कुछ निकालें तो ये बदमाशी, ये गुरु का काम नहीं। उधर से भी चीटिंग इधर से भी चीटिंग दोनों तरफ से हो जाएंगे, गुरु ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है गुरु कृष्णेर स्वरूप है शास्त्रेर प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भगवान। भगवान अगर किसके ऊपर कृपा करने चाहते हैं भक्तगण के ऊपर, कैसे करते हैं, गुरु के द्वारा, गुरु के माध्यम से करते हैं। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि समझ में आ रहा ना, रिप्रेजेंटेटिव अंग्रेजी में कहते हैं। खुद नहीं आ पाए कुछ काम के लिए, अनबिहाफ ऑफ हिम उनके प्रतिनिधि आ सकता है। प्रतिनिधि को अगर कोई अपमान करे कोई कुछ करे तो किसका होता है, ये मालिक का होता है, इसका उनका क्या होता है, मैं तो दुख उनके प्रतिनिधि हूं। इसीलिए शास्त्र में कहा गया साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यतये वसद्भिः। समस्त शास्त्र कहते हैं कि जो गुरु होते हैं वो साक्षात हरि जैसा ही है, क्योंकि हरि के प्रतिनिधि है तो हरि जैसा ही होगा, लेकिन हरि नहीं है, हरि जैसा है लेकिन किंतु प्रभुर्ज्य प्रिय एव तस्य, वो प्रभु नहीं है, प्रभु के प्रिय दास है, प्रिय सेवक है, प्रभु के प्रिय है, यही उनके पहचान है। ये जो भगवान के नाम है उसका ये महिमा है, कोई अगर नाम उच्चारण करे नाम जप करे तो उसके प्रभाव से निश्चित रूप से उनका उद्धार हो जाएगा, उसका उद्धार हो ही जाएगा। दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा ना करे, जिह्वा स्पर्श आचांडले चंडाल पर्यंत को भी जिह्वा में उच्चारण मात्र से उद्धार कर देगा। ये हरि का नाम इतने इम्पोर्टेंट पावरफुल है। तो फिर ये दीक्षा फिक्षा वट दिस शास्त्र से जमाना कहते कोई जरूरत नहीं,
नाम आपको उद्धार कर सकता है, इतने शक्ति नाम में है, है। लेकिन जो भक्तगण है वो अपना उद्धार नहीं चाहते, ये आप लोग जानते कि नहीं मुझे पता नहीं, भक्त तो सब बन गए लेकिन पता नहीं हम उद्धार चाहते कि और क्या चाहते हैं, किस लिए भक्त होना, प्रभु जी बोल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं और क्या, तो माता जी ने हमें भक्ति पथ के लीडर है ना, वो बोल रही है इसलिए कर रहे हैं और क्या, हाँ और हाँ पता नहीं किस लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बोल रही है। जो भक्ति के स्थिति को समझे हैं वो कभी केवल मुक्ति नहीं आशा करेंगे, बल्कि शास्त्र में यहाँ तक कहा गया भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, और मुक्ति को उसके बीच में मुक्ति सिद्धि को छोड़ तारा मध्य मुक्ति वांछा कैतव प्रधान जहा हैते कृष्ण भक्ति हय अंतर्धान। मुक्ति के आशा इतने खतरनाक है, मुक्ति होने का आशा उद्धार पाने का आशा किए तो कृष्ण भक्ति छु मंत्र अंतर्धान हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुक्ति भुक्ति और सिद्धि ये सब पिशाची यदि वर्तते, पिशाची अंतर आप पिशाची बोलते ना, चुड़ैल बोलते हैं पिशाची बोलते हैं, चलो तो पिशाची के साथ कोई बैठना चाहेगा, फ्रेंडशिप करना चाहेगा, सेल्फी लेना चाहेगा, तो ये जो मुक्ति की आशा, भुक्ति मतलब जानते ना, मुक्ति किसे बोलते हैं, भोग करने की इच्छा, मुक्त हो जाने की इच्छा और सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, ये तीनों हाई ग्रेड के पिशाची, हाँ छोटे मोटे नहीं, ये छोटी है पिशाची को पिशाचियों के ये छोटी है, ये छोटी तो समझ में आता ना, तो अब जिनके हृदय में ये मुक्ति पाने की इच्छा, भोग वासना की इच्छा और सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, तो मतलब तीन पिशाची बैठे, बाप रे बाप। भक्ति देवी बड़े नाजुक राजकुमारी है, जब देखेगा तीन चुड़ैल बैठे हैं, बाप रे बाप, वो आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, बाप रे बाप खतरनाक है, वो आएगी नहीं, इसलिए अंतर्धान हो जाएगी, कभी नहीं आएगी। इतने है भक्ति मुक्ति सिद्धि आदि की इच्छा, तो इसलिए भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं भक्त लोग का असली अंतिम कामना क्या है? सेवा, सेवा अभिलाष, केवल सेवा करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करूं बस। क्यों? क्योंकि हम सेवक तो हैं, अंततः हम लोग सब भगवान के सेवक सेविका हैं, तो उनके सेवा करना हमारा धर्म कर्म है, वही करें। तो सेवा करने के लिए कई प्रकार का सेवा होता है भाई, आप नए अपॉइंटमेंट हुए, आप जानते नहीं, पता लगाना चाहिए ना, पुराना जो था भाई कैसे क्या करना थोड़ा बताओ मुझे, है ना, नहीं ऐसे कभी हो सकता नया फट से सेवा करते अपने मन से ना। सेवा करने के लिए कोई पुराने सेवक के अंडर रह करके थोड़ा सीखना होगा, इसीलिए हम लोग हमारा उद्धार उद्धार जो चाहते हैं नाम करके उद्धार पा जाओ, हम उद्धार चाहते ही नहीं, हम सेवा करना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, इसलिए कोई मैच्योर्ड सर्वियंट पुराना सेवक उनके अंडर में रह करके सेवा के परिपाटी शिक्षा लेना चाहिए, सीखना चाहिए कैसे करें। वही जो पुराना सेवक है वो होते हैं भगवान के प्रतिनिधि गुरु, वो सेवक पुराना है, उनसे हम सीखेंगे सेवा करने का तरीका क्या है, है ना, नहीं तो इस श्लोक डिस्प्ले किया हमने। इस श्लोक में श्री नवजोगिंद्र जी में से एक जोगिंद्र कहते हैं, भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात् इसात् अवेतस्य विपर्जय स्मृतिः तन्माय आतो बुध आवजेतं भक्तिक एसं गुरुदैवतात्मा।
उसका शब्द के अन्वय अर्थ इस प्रकार है, सबसे पहले ईशात अपि तस्य, ईश्वर से विमुख जनों का, अपि तस्य मन अपगत, जो उनसे बिछुड़े हुए, ईश्वर से मिलग हुए, ईश्वर से विमुख जीवों, तन्मायया, तन मतलब इसी निश्वर का, उनका माया के द्वारा, जो लोग ईश्वर से विमुख हो चुके हैं उनको ईश्वर के माया पकड़ता है, तन मायया, उनके माया के द्वारा, फिर क्या होता है माया के द्वारा, न अस्मृति, उनके स्मृति की भुला देता है, उल्टा करता है, अस्मृति, अस्मृति का मतलब अपना जो असली स्मृति स्वरूप है उसको विस्मरण करा देना, असली पहचान को भुला देना, भूल गए हम, हमारा असली आईडी भूल गए क्या है, भूल गए आईडी अपना। ततः उसके बाद में जब आईडी भूल जाते हैं हमने तो विपर्जय, विपर्जय का मतलब विपरीत बुद्धि हो जाता है, भूल जाने से विपरीत काम करने लगते हैं, विपरीत क्या है, जो असली अपना आईडी भूल गए तो गलत आईडी को सही मानने लगे, ये बोलते हैं विपरीत, जो है नहीं उसी को माने, है नहीं क्या, आप लोग हम लोग सभी वर्तमान स्थिति में हम मानते हैं हम ये शरीर है, ये हमारे हैं, ओ ये हम है, यही मानते ना, तो ये गलत आईडी है, ये सब विपर्जय स्थिति है। जो अहंता और ममत्व, अहम मतलब मैं, मेरा होता ममत्व, ये सब गलत आईडी है। तो इस विपर्जय बुद्धि से हम जो द्वितीय चीज है उसको अपना मान करके उनके साथ संबंध रखते हैं। द्वितीय चीज क्या है, यही देह और देही और देह संबंधी जितने सब, ये सब द्वितीय वस्तु है। प्रथम वस्तु केवल भगवान है, उनके अलावा जितने चीज है सारे दूसरा है। तो भगवान से विमुख हो गए मतलब भगवान के अलावा संसार में जितने चीजें हैं उनके साथ हम संपर्क रखे, संबंध रखे, तो मतलब द्वितीय में हम संबंधित हो गए। तो इस द्वितीय में अभिनिविष्ट होने के कारण, द्वितीय में संबंधित रखने के कारण हमको भय लगता है, दिस इज द रीजन ऑफ फियर, भय का कारण यही है। अगर आप प्रथम में रहेंगे द्वितीय में अभिनिवेश नहीं होंगे तो भय नहीं हो सकता। नाना प्रकार के भय, संसार भय आदि सब, मृत्यु भय, सब भय उसी के कारण होता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग के बुधा आभजत, इसमें आया श्लोक में, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पंडित व्यक्ति हैं, वो कैसे आभजित भजन करना चाहते हैं, कैसे गुरुदैवतात्मा, गुरुदेव को अपने परम हितैषी, परम प्रिय, आत्मीय देवता सदृश मान करके, ईसा मतलब ईश्वर हरि के एकांत भजन करना चाहिए। तब ये जो गलती विपर्जय विपरीत बुद्धि है उसमें फिर सुधर जाएंगे, फिर भय से बच जाएंगे। यही इसमें कहा गया, भय के कारण क्या है और उसमें कैसे निकला जा सकता है। परमेश्वर से विमुख जीव को उनके माया के कारण स्वरूप की विस्मृति होती है एवं उसके कारण देह में आत्माभिमान उत्पन्न होता है। इस देह और इंद्रिय आदि में अभिनिवेश होने के कारण भय उत्पन्न होता है। अतएव ज्ञानी व्यक्ति गुरु में देवता वृद्धि और प्रियता बुद्धि स्थापन करके अव्यभिचारिणी भक्ति के साथ परमेश्वर का भजन करें। तो ये उपदेश देते हैं।
कि भजन करने के लिए, भय से मुक्त होने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो भजन कहाँ से मिलेगा भाई? जिसका पास है वही देगा ना। आपका अजमेर का मार्केट मिलता क्या? नहीं। भक्ति भक्त संगे सुजायते, भक्ति भक्तों के पास मिलेगा। जिनका पास है वही तो देगा, जिनका पास है नहीं वो कहाँ से देगा? तो इसलिए जिनका पास है उनके पास जा करके उनसे लेना पड़ेगा। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं, हम सभी अपने को पूछ करके देखिए, हमेशा हम सभी के मन में आनंदित होने का, सुख पाने का इच्छा रहता है कि नहीं? बड़बत रहता है। अरे रहता नहीं, उसके बिना जिया नहीं जा सकता। जीना हर हम इसी के लिए तो सोते हैं, खाते पीते सब कुछ इसी के वही तो है, वो आधार है जीवन का, है ना? नहीं है। तो क्यों केवल सुखी होना नहीं चाहते? देखिए तीन चीज हमारा अंदर स्वर्गगत बनना इच्छा होता है। सभी सुखी होना चाहते हैं, खुशी होना चाहते हैं, ना नहीं? केवल सुखी होना नहीं चाहते, और भी एक चीज चाहते हैं, बताऊं? कोई मरना नहीं चाहते है कि नहीं? अरे बाप रे बाप, वेंटिलेटर में जाने के बोलते डॉक्टर साहब कर्ज करके दे दूंगा यार, बचा दो, है ना? नहीं, कोई मरना चाहते हैं? नो। तो केवल सुखी होना नहीं, सुखी होना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, है ना? नहीं। और इसी संसार में जो साइन बोर्ड लगाया गया है, जिस संसार में रहते हैं, क्या है जानते ना? दुखालयम मृत्युलोकम। मतलब ये संसार का क्या पहचान है? यहाँ दुख के स्टोर है, दुख ही मिलेगा और मरना है, यहाँ मरना ही होता है। तो खाली मरना, दुखी होकर के मरना होता है, और हम ये दोनों नहीं चाहते हैं। हम मरना भी नहीं चाहते हैं, जीना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। लो यहाँ क्यों आ गया? ये दोनों ही इधर नहीं है, है ना? नहीं, ये संसार में दो चीज मिलता क्या? ये संसार बनाने वाला बनाया, बोला बोला नहीं नहीं यहाँ तो ये नहीं होता, ये यहाँ नहीं है। तो यहाँ क्या मिलता है? दुख ही मिलता है और मरना ही होता है बस, और हम दोनों को नहीं चाहते। वी ऑल आर इन रॉन्ग एड्रेस, है ना? नहीं हाँ। तो और एक चीज भी हम चाहते हैं, केवल दोनों नहीं, हम सुखी होना नहीं चाहते हैं और जीना नहीं चाहते, और भी चाहते हैं क्या? कुछ जानना भी चाहते हैं। कौन इसमें जो कुछ जानना नहीं चाहते? इसलिए तो आए हैं इधर, यही तो प्रूव है, इज़न्ट इट? कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, किसका बारे में हो, चाहे अच्छा बुरा, लेकिन चाहते हैं जानने, तो कुछ चाहते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो समथिंग। तो ये तीनों हमारे अंदर क्यों? छोटे बच्चे से जैसे ये तीन चीज निश्चित ही होगा उसके अंदर, क्यों है कि नहीं सभी के अंदर? इसी का कारण ये है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान के जो असली इंग्रेडिएंट सत्य चित आनंद है। सत मतलब हमेशा रहने वाला, चित मतलब ज्ञान पूर्ण, और आनंद मतलब आनंदमय। हम उन्हीं के अंश होने के कारण, छोटे से टुकड़े होने के, ये तीन भी अणुपरिमाण में हमारे अंदर है। सत मतलब हम हमेशा रहना चाहते, इसलिए मरना नहीं चाहते, जीना चाहते, क्योंकि सत का अंश है। चित्त का अंश परम ज्ञानवान है, तो इसलिए हम टुकड़े अणु अंश कारण इसी को जानकारी जाना चाहते, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और वो आनंद घन है, हम अणु के रूप में हम भी आनंद चाहते हैं। उन्हीं के अंश होने के नाते ये तीन हमारे अंदर भी है, इसी का प्रमाण है हम उनके उस चिन्ह में भगवान के हम भी अंश हैं, चित्त घन है। इसीलिए हमारा ये स्वरूप है, स्वभाव है कि हम आनंद चाहेंगे, आनंद प्राप्त करना चाहेंगे, उसके बिना हो नहीं सकता।
और ये आनंद प्राप्त करने का तरीका दो प्रकार होता है, दो धारा से हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। एक तो है प्रभु की सेवा में लग करके भगवान की सेवा करो, परम आनंद प्राप्त करो, भगवान के इंद्रिय को सुख दो, भगवान को सेवा मतलब भगवान की जन परिजन उनके पार्टी लोग को सेवा करो, एक सुखित धारा ये है। दूसरी धारा है हम खुद की इंद्रियों को सुख पहुंचाओ, खुद की देह को सुख दो, देह इंद्रियों को सुख दो, उसमें भी आनंद होता है। यही दो ही प्रकार से सुख जीव पा सकता है। आ समझ में, दो प्रकार सुख क्या है, एक खुद के देह इंद्रिय को और एक ईश्वर के, ईश्वर को उनके परिजनों को। इन दो बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई ईश्वर संबंधी है या ईश्वर को सुख देना चाहता है, उसे आनंद पाना चाहता है, तो वो कभी सोच भी नहीं सकता अपने देह इंद्रिय के सुख के बाद ना, ये उल्टा बिल्कुल, ये उसके मन में विचार आ ही नहीं सकता। और जिसका मन में अपने देह इंद्र के सुख के बाद आ गया, ओ उसको गया चो, वो बिल्कुल उस बारे में मन जाएगा नहीं, इसमें फंसा हुआ। और हम नित्य हमेशा भगवान के अंश होने के नाते उन्हीं को ही सेवा करना हमारा सर्वगत कर्तव्य है। हमारा वैधानिक स्थिति है ये कि हम भगवान की सेवा करें और सुखी हैं, सुखी होना चाहते हैं। अगर उनको सेवा नहीं करेंगे सुखी हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो है काया, हम है छाया। काया छाया समझते हैं, अगर काया ना हो तो छाया होगा, वो डिपेंड है उसके ऊपर ही। तो अब किसी को अब अलंकार पहनाने छाया में पहनाएंगे तो दिखेगा नहीं, अगर काया में पहनाएंगे तो भी दिखेगा, है ना नहीं। तो इसलिए अगर आप भगवान काया है उनको अब सुख दिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो अपने आप सुखी होंगे कि छाया है, ऑटोमेटिक होना है। लेकिन उस काया को छोड़कर छाया में कितने मारपीट हाथ पीट कुछ नहीं होने वाला है, उनको होगा नहीं, आप भी नहीं होंगे, हताश, केवल हताश, हताश होगा, निराशा हो नहीं सकता, क्योंकि हम शैडो छाया है, ये जगत छाया में एकदम जगत, ये जगत ही ऐसा है। तो इसलिए जो आधार, जो असली काया है, उसको यही सुख प्राप्ति का वास्तविक उपाय है। तो इस उपाय को अज्ञान के कारण भूल करके इसी के चक्कर में आकर के हम सुख प्राप्ति का एकमात्र उपाय भी जानते हैं, मानते हैं और करते हैं, वो क्या है, अपने देह और इंद्रिय को सुख पहुंचाने से हम सुखी हो जाएंगे, हमें इतनी ही समझ है, उसके आगे को जानते ही नहीं। कैसे हो सकता है, मुझे नहीं दिया कैसे सुख होगा, हमारा पूरे जन्म जन्म से इतना ही अभिज्ञता है, इतना ही समझ, इतने की ज्ञान है कि हम अगर सुखी हो पाएंगे तो कैसे, अपने देह और इंद्रिय का सुख मिलने से। पूरे संसार इसी चक्कर में फंसे, सभी आत्मेंद्रिय प्रीति अपना अपना स्वार्थ के लिए। तो इसलिए कहा गया है, बड़े महाजन लोग कहे, ये संसार में जो प्रेम है सब छलावा है, सभी अपना सुख चाहते हैं, जहां अपने स्वार्थ में बाधा पड़ा तो नहीं बनेगा ना, तुम अलग हम अलग, अरे मैं जो चाहता तो हो ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा नहीं, क्योंकि सबको अपना स्वार्थ पूर्ति चाहिए, कोई परार्थ सोचता ही नहीं ना सभी, इसलिए कोई किसका है नहीं, सभी अपने अपने पढ़े सब, लेकिन अपने अपने करने पर भी सब दुखी हैं, क्योंकि असलियत है हम सभी ईश्वर के अंश हैं। जब तक ईश्वर को, और एक दूसरा उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां के अंश, अंश कहने से आप लोग समझते, अंश कहने से कि अंशी भी होना चाहिए, समझते हो हिंदी भाषा, अंशी और अंश क्या होता है, करेक्ट, अंशी होता है होल और अंश होता है पार्ट। जैसे हम ये शरीर है,
हम अंशी है, ये हाथ हमारा अंश है, अंशी का अंश है, समझ में आया ना। हम शरीर है अंशी, ये हाथ हमारा अंश है। अच्छा, ये हमारा हाथ का क्या धर्म कर्म होना चाहिए? अरे ये शरीर के पूरा का काम करे। जैसे पैर है, उसका धर्म कर्म है पूरा शरीर को ढो करके चले। वो बोलेगा मैं क्यों ढूंगा पर शरीर को भाई, हैं तू क्या करता है? मैं अपना चलूंगा, तुझे नहीं ढूंगा मैंने। अरे भैया ये कैसे चले भाई, ऐसा हो सकता है? पर अगर स्ट्राइक करे हम आपके शरीर को उठा कर नहीं, सर कुछ करता नहीं, मैं क्यों उसको उठाऊं, है ना, नहीं कुछ करता नहीं, बैठे रहता है ऊपर से, हम नहीं ढोएंगे उसको। इसी प्रकार की दुर्बुद्धिता। तो हाथ का कर्तव्य है, उसका धर्म है कि शरीर के अनुसार शरीर को सुख पहुंचाए, शरीर के आदेश पूर्वक उनके आग्रह पूर्वक कर्म करे। कोई शरीर को क्षति पहुंचाना है हाथ पहले उठेगा, हाथ उठेगा ना, नहीं और क्या, ये सेनापति ये है ना, क्षत्रिय है वही उठेगा। कोई लेखा पढ़ी शासन फासन साइन फैन करने के लिए हाथ ही उठेगा, हाँ अपना वृत्ति है शरीर को बचाना अनुशासित करना, हाथ का काम हाथ उठे। तो हाथ अगर शरीर में साथ रह करके काम करेगा, अरे ये चीटी फीटी के बाद छोड़ो, कोई कुत्ता बिल्ली कोई बड़े आदमी भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो जानता है मारपीट करेगा वो, है ना, नहीं हाथ है। तो हाथ जब शरीर के साथ रह करके शरीर के लिए काम करता है तो उसका कितने बड़े ताकत, पूरे कमांडर इन चीफ सेनापति है शरीर का, महासेनापति है, इतनी बड़ी पोस्ट में है, कोई कुछ नहीं कर सकता, हाथ उठेगा तुरंत। कोई पशु पक्षी चींटी कीट पतंग आने से हाथ मसल लेगा, उनको मार देगा हटा देगा, शरीर के साथ है सेवा करता। अगर किसी कारण से शरीर से छिन्न हो गया है हाथ, हो जाता ना कभी कभी, काट पीट देते हैं कोई, काट दे और अलग कर दिए काट कर, वही हाथ रहेगा। शरीर से अलग हो गया तो अभी चींटी भी आकर उसको खाएगा, उसको भगा सकता नहीं। दिमाग खा जाए, चींटी खा जाए, कुत्ता चाट जाए, घी धार कर नोच के खाएगा, कुछ कर सकता हो नहीं, वो तो मांस के लुथड़ा हो जाएगा, हाथ नहीं कहलाएगा वो, क्या कहलाएगा वो, मांस की लुथड़ा कहलाएगा, हाथ नहीं कहलाएगा, उसका आईडी खत्म, जो हाथ करके जो उसका परिचय था वो खत्म हो गया, वो नहीं रहा। अब तो ये तो मांस के लुथड़ा कुत्ता खा रहा है, वही हाथ जब शरीर के साथ था कुत्ता आता, बाप रे कुत्ता दूर भागेगा, कैसे पास आ सके, लेकिन अलग हो गया तत्क्षणा तो खाएगा, चुबा चुबा करके कुछ नहीं कर सकता। यही दशा ईशा तपे तस्य विपर्य स्मृति, भगवान से हम बिछुड़ गए, अलग हो गए, विमुख हो गए, इसलिए माया आप कवच में ले करके हमको ये जातना दे रहा है। अब चींटी मक्खियां कुत्ता बिल्ली सब आकर के हमारे ऊपर रोब करते हैं, क्योंकि हम बिछुड़ गए हैं, बस यही एक ही कारण है। कृष्ण भूली से जी भगवान छा करे, जैसे आपने भोग की इच्छा किया कृष्ण से अलग, भगवान छा करना ठीक है लेकिन कृष्ण को भोग दो ऑटोमेटिक तो भोगेगा। अरे हाथ अगर रसगुल्ला बोलेगा, आज रसगुल्ला अगर आपको कई गोते हैं होता है और बोलेगा मैं खाऊंगा, मैं क्यों मुंह में डालूंगा, मैं खाऊंगा, हाथ पकड़ कर बैठेगा तो क्या होगा, वही खुद निर्बल दुर्बल हो जाएगा नहीं, अगर वहां डालो तो तू ही ताकत आए। तो इस प्रकार हम जब कृष्ण को सुख दें भोग दें तो हम भी सुखी हो जाएंगे, भोग भी प्राप्त करेंगे, लेकिन उनको छोड़ करके हम अलग अपना इंडिपेंडेंट सेपरेटली करना चाहेंगे, तो जैसे रसगुल्ला हाथ पकड़ कर बैठे मैं खाऊं, हो ही नहीं सकता, मर जाएगा, तो इसी दशा है। तो इसलिए जो दो प्रकार के सुख प्राप्ति करने का उपाय है, एक है उल्टी, एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत है।
जो दूसरी है देह इंद्रिय, अपने देह इंद्रिय को सुख देकर सुख प्राप्त करने का इच्छा, ये है मायाग्रस्त जीव का बुद्धि। ये गलत बुद्धि है, इसमें सुखी हो ही नहीं सकता कोई। सपना देखेगा लेकिन कभी सपना साकार नहीं हो सकता। तो हम सभी का यही दशा है। और केवल सुख तो नहीं मिलेगा, और क्या होगा ना, भयभीत रहेंगे, हमेशा भयभीत रहेंगे। क्योंकि जैसे बोला ना, हाथ जब उनका साथ रहता है, क्या ताकत तो अल जाना तो ही हाल। हम भगवान के साथ हमारा संबंध को तोड़ डाले, भगवान के साथ संबंध रहेगा फिर भय की क्या बात है। कोई छोटे बच्चा है, वो जानता नहीं हाथी कैसा होता है कि बैल कैसा होता है। अगर मम्मी के और पापा के हाथ पकड़ा हुआ है और जा रहा है, कोई सामने आए पैर उठाएगा उसको, है वो जानते हैं दोनों है मेरे प्रोटेक्टर दोनों साइड, डरेगा वो नहीं डरेगा। भले माँ बाप उनके भी डर रहे हैं लेकिन वो नहीं डरेगा, क्योंकि वो मुझे, उनका पूरा भरोसा है कि वो मुझे बचाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम भगवान के हाथ पकड़े रहेंगे तो हम डरेंगे, लेकिन अब छुड़ा हुआ है अपने बल पर, इसलिए भय है, इसलिए भयभीत है, क्योंकि हमारा जो संपर्क गलत हो चुका है, टूट चुका है। ये संबंध नहीं से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गलाता, बेकार हो गया उनका लाइफ, जन्म ही बेकार हो गया। असत्य रे सत्य करी मानी, जो है ही नहीं उसी को है करके मानेगा। हम ये शरीर है ही नहीं बोलेगा मैं ही हूं, है ना नहीं, हाँ। तो ये जो भय के कारण, दुख के कारण, नाना प्रकार के त्रिताप ज्वाला के कारण, ये केवल भगवान से विमुख होने का यही कारण है, और कुछ नहीं। हरि से हमारा संबंध हम अलग कर दिए, बस यही एकमात्र कारण, और कुछ नहीं। तो इस संबंध को स्थापित करने से हमें दुख से, त्रिताप ज्वाला से, भय से सबसे मुक्त हो जाएंगे। क्लियर? अब हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए, सम हाउ अर रादर उनके साथ संबंध जोड़ दें, कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना है। संबंध जोड़ने के लिए आप लोग तो सब घर संसार वाले परिवार वाले, कहीं को प्रपजाल के लिए कोई एक मीडिएटर होता ना, नहीं उसको क्या बोलते, मध्यस्थी ना, क्या बोलते हिंदी में, मध्यस्थी बोलते ना। उसका बगैर कोई शादीशुदा होता है क्या? कोई रेंट लेकर लाना पड़ता है मध्यस्थी किसको, और क्या होना चाहिए ना, कोई मध्यस्थी होना चाहिए। हाँ आजकल कहीं कोई हो तो लड़के लड़की फोन में हो जाते हैं अपना, कोर्ट मैरिज वाले कोर्ट मैरिज, कोर्ट पेपर भी रहता है, फोन भी होता है, वो भी मीडिएटर होते हैं। हाँ वो भी मध्यस्थी होते हैं। तो कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए संबंध की, हाँ स्थापना करने की। तो वो जो संबंध की स्थापना करने के लिए जो मीडिएटर मध्यस्थी है, ये बद्ध जीव, दुखी जीव, भयभीत जीव को, जिनके कारण ये अवस्था हुआ है, फिर पुनः भगवान की स्थापना करने के लिए कौन कर सकता है ना, जो भगवान को जानता है हमको भी जानता है, वही तो मध्यस्थी करेगा। दोनों पार्टी को नहीं जानता कर पाएगा क्या? नहीं, उनको बताना पड़ेगा, भाई ये हमारा पूरा हमारा हॉरोस्कोप लो, हमारा ये सब लो, देखो जानो, फिर उनको बताओ, फिर उनको आकर हमको बताओ, वह दोनों तरफ से ज्ञान होना चाहिए। तो ही है गुरु, उनका भी ज्ञान है, इनका भी ज्ञान है, अब दोनों से मिलाना चाहे, वही गुरु का कर्तव्य। आध्यात्मिक जीवन में हमसे भौतिक धरातल पर, भौतिक धरातल कैसा है, न दुखालयम मृत्युलोकम अशाश्वतम, ये भौतिक का परिचय है। उससे उठ करके नित्य शाश्वत सुखमय आनंदमय ज्ञानमय स्थिति की जाना ही आध्यात्म है, ये भौतिक साधन। इसको जाने के लिए यहाँ से उठ करके ये मीडिएटर दोनों पार्टी को जानता है और मिलाएगा, कैसे क्या करना है, ये उनका काम है। जब वो ना रहे तो नहीं हो पाएगा दोनों होकर भी। और एक उदाहरण से समझिए, चंदन सब जानते हैं, एक गोपी चंदन नहीं है,
घिस करके, क्या उसके विशेषता है? करेक्ट, सुगंधता शीतलता, ये दोनों है ना, शीतल भी होता है और सुगंधी भी है। तो चंदन के पेड़ आप लोग देखें, अब अगर चंदन के पेड़ के पास आप जाकर बैठे, आपको पता नहीं ही चंदन का पेड़ है, आप तो पहचानते नहीं, कैसे जानेंगे चंदन का पेड़ है करके? खुशबू आने से, ठंडाई आने से, ठंडा ठंडा खुशबू है तो बोले रे ये चंदन का पेड़ है। लेकिन ये ठंडा और खुशबू बिना एयर से आ सकता? हवा नहीं चलता, आपको कैसे पता चलेगा ठंडाई की खुशबू, कैसे पता चलेगा? चलेगा, आप पेड़ के नीचे बैठे हैं लेकिन हवा ही नहीं, हवा के बगैर आप ये खुशबू को ना ठंडाई के स्पर्श को अनुभव कर पाएंगे? नहीं। ठीक इसी प्रकार चंदन तरु हरि, साक्षात श्री हरि भगवान है चंदन का पेड़, भरा हुआ है शीतलता और सुगंधता उसके अंदर ठुस ठुस करके, और हम चाहते हैं शीतलता और सुगंधता गर्मी के कारण, लेकिन हवा ही नहीं, मीडिएटर ही नहीं, तो कैसे पाए? चंदन तरु हरि संत समीरा, संत क्या होते हैं? समीर, वो एयर है, वो ना हो वो पेड़ में बैठकर भी नीचे अब बैठने जान नहीं पाएंगे, कैसे जानेंगे? जानने का तरीका तो वही दोनों है, सुगंध भी एयर ला कर देगा, स्पर्श ठंडाई भी वही ला कर देगा। आया समझ में? अभी गुरु का क्या आवश्यकता है, नहीं तो वो भी बैठे बैठे कर जान नहीं पाएंगे, हार जाएंगे। और एक उदाहरण देते हैं, धारा, भगवान अगाध जल है, भरा हुआ है सिंधु समुद्र की तरह, और आपका खेती सूख मर रहा है, क्या फायदा है पानी रह कर? लेकिन अगर केनाल हो, केनाल है ना चैनल, हाँ तो फिर पानी आकर अब खेत में पहुंचेगा, तो वो है जो हम ला करके उनसे चीज ला कर आपको दें, और आपको चीज उनको समझाएं, ये भाई ये रिश्ता पक्का करवाना, ये काम है रिश्ता पक्का, जवाबदारी लेते हैं उन्होंने। तो ये आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के साथ संबंध स्थापना किए हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वो जानते हैं कृष्ण की सेवा किस प्रकार करना होता है, कृष्ण की सेवा करने से क्या फायदा है। तो इसीलिए एक कृपा करके दूसरे को बुलाते हैं, भैया तुम क्यों मर रहा, चलो यहाँ तो है ना नहीं, और हम अगर कृपा करके उनके बात मान करके उनके आदेशित मार्ग पर चले, ऑपरेट करें, तो हम भी उस रिश्ता के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में बिना माध्यम से कोई हो नहीं सकता, जैसे मैंने बताया, चाहे केनाल कहो, चाहे एआर कहो, चाहे घटक कहो, चाहे मध्यस्थी कहो, चाहे मीडिएटर कहो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव कहो, चाहे पोस्टमैन को, कोई तो होना चाहिए जिसके माध्यम से हम पाए चीज को और भेजे, तो ही माध्यम ही होते हैं, और वो होना नित्यांत आवश्यक है, बिना काम ना चले। मैं बता ना, पेड़ के नीचे बैठ कर के जान नहीं पाए, बिना हवा में कैसे पता चलेगा। और क्या हम जानना चाहते हैं, हमारे क्या कमी है, गुरु से देशा हम भी तो ऐसा ही है, उनके दो हाथों पर हमके दो हाथ पर, वही खाता है टैलेंट जाता है, वो भी हम भी करते हैं, तो कहा है कि फिर हम नहीं बन जाते हैं, वो क्यों, क्या कमी है उनमें, क्या वह है हमारा क्या नहीं है, ऐसे मन में विचार आता ना। अभी हम जो भजन गाए उसमें अंतिम दो लाइन में बात आया, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाया करीब सेवा चरणारविंद, वो भी चाहते हैं कि अगर मैं सेवा करूंगा या करूंगी वो सखियों के आज्ञा के अनुसार करूंगी, ना कि मेरा मनमानी करूंगी, ना ऐसे नहीं हो सकता, आज्ञाया करीब सेवा, उनके आज्ञा के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार कर। आगे कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास,
नरोत्तम दास हमारे संप्रदाय के विशेष आचार्य हैं, वो कहते हैं, वो क्या अभिलाष करते हैं, क्या चाहते हैं, सेवा अभिलाष, क्लियर लिखा है ना, क्या अभिलाष है, यस, यही तो हमारे पास नहीं है, बोले अभिलाष नहीं है, बहुत भरा हुआ है बिल्कुल, हर एक हम जितने प्रोडक्ट बैठे हुए हैं पैर से लेकर मस्तक तक ठुस ठुस करके भरा हुआ है अभिलाष, लेकिन कौन सा अभिलाष, भोग अभिलाष, अपॉर्चुनिटी पाते ही भोग लूंगा, भोग करने का विचार ऐसे ही भरा हुआ है, ढूंढते रहते भोग का, इसी वजह से हम दुखी हैं, इसी वजह से हम अन्याय अत्याचार पाप आदि करते हैं, इसी वजह से हमारा ये जन्म मृत्यु के चक्कर फंसे, केवल यही गलत अभिलाष के कारण, इसी अभिलाष को हमको चेंज करना है, उसको निकाल करके उसके जगह पर सेवा अभिलाष भरना है, हमारे शरीर में ठुस ठुस के भरा है क्या, भोग अभिलाष है ना, नहीं, अरे बोलते क्यों नहीं, सच तो है और क्या है, कौन नहीं चाहते, तो उसको निकालना है, रिप्लेस करना है, उसके जगह पर सेवा अभिलाष भरना, बस केवल सेवा के अभिलाष आ जाने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए, इतना ही आवश्यकता है, बाकी सब है, केवल सेवा करने का अभिलाष में इच्छा ही नहीं है, क्या इच्छा है, भोगने का इच्छा है, बस यही गड़बड़ी और कुछ नहीं, हरि है, हरि का नाम है, हरि के विग्रह हैं, हरि के भक्त हैं, हरि के गुण सब हरि हैं, वो नित्य काल तक हैं, सेव्य हैं, सेवा लेने के लिए तैयार हैं, सेवक के रूप में सारे हरि के अलावा जितने सारे आर सब भृत्य अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब सभी भृत्य, हम सभी सेवक हैं, भृत्य हैं, उनके नौकर चाकर हैं, नौकर नौकरानी हैं सारे, वो भी हैं हरि हैं नित्य, हम उनके नौकर चाकर, हम भी नित्य हैं, और सेवा करने के लिए जो सेवा सामग्री सेवा उपकरण ये संपूर्ण संसार जगत ये सेवा उपकरणम है, सेवा उपकरण समझते ना, सेवा करने का माध्यम सामग्री, भैया मुझे आप पानी देंगे, अब पानी नहीं गिलास नहीं कटोरी कैसे लाएंगे, तो ये सब चाहिए ना सेवा करने के लिए, ये सब सामग्रियां हैं जिसके द्वारा हरि की सेवा किया जाए, ये सब सामग्री ना हो तो कैसी सेवा करें, तो सामग्रियां मतलब जगत है, सेवा सामग्री हरि हैं, सेवा सामग्री रूप में जगत है, और सेवक के रूप में हम लोग हैं, फिर सेवा ही नहीं बनता, क्यों, सेवा की इच्छा ही नहीं है, इच्छा क्या है, बस अब बटम ऑफ द लाइन इतना ही समझना है, बस गड़बड़ी संसार में केवल इतना ही है, समझ में, बाकी सब अपने अपने जगह पर है, केवल एक ही मिस्टेक है क्या, गलत इच्छा, जो सेवा करने की इच्छा के बगैर भोग करने की इच्छा है, बस इतना ही करेक्शन हमको करना है, आया समझ में, केवल इतना ही करेक्शन करो, अभी आनंद ही आनंद है, पूरा जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा, है ना, नहीं बस, सारे शास्त्र संत महंत एक स्वर से इसी को ही समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं, ले दे करके सब इसी करना है ना, तो आप लोग इसी को मनन कीजिए, स्मरण कीजिए, जानिए मानिए समझिए और बाद में करिए, ओके, हरे कृष्ण। किसका कोई और प्रश्न है, कुछ टिका टिप्पणी है, कुछ सब समझ में आ गया ना, नहीं कुछ समझ में नहीं आया, दोनों से कोई एक होगा, आइदर कुछ समझ में नहीं आया इसलिए कुछ पूछ नहीं, आइदर सब समझ गए कुछ नहीं। अच्छा बोलिए, तो एनालाइज करें और फिर उसको मूव करें।
बहुत अच्छा बात पूछी माता जी ने, बोले शुरू शुरू में क्या गड़बड़ी है, हमेशा अपना तो कुछ अभिमान रखेगा नहीं, हम तो सीनियर है, तो जूनियर लोग का ऐसे भावना है, यही भावना है ना। हाँ अभी हमेशा, बाद में शुरू शुरू बाद, अभी हमेशा मैं आगे इसका कारण हम जानते ना, हम तो हम सीनियर, सीनियर शब्द का मैं अर्थ करता हूँ सीन हियर, सीनियर का हियर, बहुत सारे सीन इकट्ठा कर लिए हम, इसीलिए सीन हियर हो गया। ठीक है, माता जी का कहना है कि हम जो सेवा करना चाहते हैं या चाहते हैं करते भी हैं, हमको लगता है हम सेवा करते हैं लेकिन हम देखावटी के लिए सेवा करते हैं, देख आई एम समथिंग, मैं इतने बड़े सेवक हूँ, मानते मैं सेवा कर रहा हूँ, उसमें गलती क्या है, मानना तो चाहिए, यही तो है। अब समझिए, दोष है मिथ्या अहंकार, अहंकार गलत नहीं है, गलत क्या है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो कंडेम, ये गलत है। लेकिन एक अहंकार फॉल्स नहीं है, रियल ईगो है, सत्य अहंकार है, वो क्या है, आमी कृष्णदास ऐ विश्वास कर ले आर दुख नाय, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास ही हूँ, मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण कर्म कर रहा हूँ, ये बजा करके बोले गर्भ के साथ, गुड, दिस इज योर रियल आईडी, यही हमारा सत्य अहंकार करना चाहिए, उसमें क्या, मैं सेविका हूँ, मैं सेवक हूँ कृष्ण का। हनुमान जी को जब पूछे रावण के दरबार में, अरे बंदर तू है कौन, इतनी बड़ी बदमाशी कर रहा है, ऐसा मार मुर के इतनी सब हमला बोला, लगता तो नहीं बंदर का काम है, हुआ रही हो। अर्जुन हनुमान जो पूछा गया, हनुमान रावण के दरबार में जम करके उतरे थे, दासो हम रघुनाथस्य, क्या बोले, यस वेल दिस इज माय आईडी, ये नहीं बताया कि फोटो आईडी देखा करें हम फेसबुक, ये नहीं देखा है। आपने जो सत्य अहंकार बड़े गर्व के साथ घोषणा की उन्होंने, मैं यस मैं रघुनाथ का दास हूँ, ये मेरा आईडी है, गर्व के साथ कहे तो कहना चाहिए, है ना। हाँ लेकिन उसके अलावा जितने सारे सो गलत सलत। हाँ हनुमान जी जब प्रवेश कर रहे थे लंका में, आप सबको पता होगा जब एंट्री कर जाकर रुके फिर एंट्री कर रहे थे, बोले दिन में जाने से गड़बड़ होगा, हल्ला गुला करेंगे, चुपचाप मैं तो सुख में चले जाऊँ, रात में जाकर देखूँगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मुझे तो सीता क्यों ठाव करना है, उसे फाइंड आउट करना है क्यों डिस्टर्ब करूँ, रात में चले जाएगी तो कहाँ जाऊँगा, कहाँ किधर है, कहीं तो होगा महल में कहीं, तो रात में जा रहे थे, वो पता नहीं नाइट ड्यूटी के सिक्योरिटी मैडम थी मैडम थी सिक्योरिटी इंचार्ज अब बिल्कुल वो जागृत थी, अब जैसे हनुमान जी आ रहे थे, बोले चोर, हनुमान जी को क्या कहा, हनुमान जी ने देख कर हंसने लगे, बोले हाय रे तुम चोर मुझे बोल रहा है, हाँ तो चोर रात में जा रहे हैं, बोले ही तुम बोल रहा हूँ, तुम मुझे चोर बोल रहा है, तुम कौन हो, हैं मैं रावण के नाइट सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बोले तेरा राजा रावण वो चोर है ना, मैं चोर हूँ, बोलो सही, चोर के सरदार के नौकरानी है, दूसरे को चोर बोलता है, जो चोरी माल को ढूंढने जाता है उसको बोलता है चोर, वो भेष बदला करके कपट करके चोरी करके लाया माता सीता को, और उनको सपोर्टर तो मैं ढूंढने के लाया, मुझे बोलता चोर, धन्य है ना, नहीं हमारे सब वही दशा है ना। तो इसलिए हाँ निश्चित रूप से हमको, मुझे किसी ने एक बता रहा था तीन शब्द, एक है प्रतीक्षा, फिर परीक्षा, फिर समीक्षा, जानते हैं ना, प्रतीक्षा मतलब वेट करो, हम सभी को प्रतीक्षा करना है भक्ति के जीवन में कि हरि आएंगे,
हम भी भजन करके उनको पाएंगे, लगे रहेंगे। आशा बंध समुत्कंठा, आशा के बांध बनाओ, प्रतीक्षा करो, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, कभी तो होगा, प्रतीक्षा करना ही पड़ेगा। भक्ति के प्रथम सिद्धांत क्या है? प्रतीक्षा, सभी को प्रतीक्षा करना पड़ेगा, अधैर्य होने से काम नहीं चलेगा। हैव टू वेट, नाना प्रकार दिन वेट करो, प्लीज वेट, वेट, प्रतीक्षा करना होगा ही, ये फर्स्ट कंडीशन है प्रतीक्षा करना। केवल प्रतीक्षा करने से नहीं होगा, प्रतीक्षा करते समय परीक्षा करता, किसको परीक्षा करें? इसी संसार को, संसार को, जगत को, जो तुम्हारे हैं, जिनको, जिनके तुम हो, ये सब छलावा है, टेस्ट करके देख लो। थोड़ा उनके स्वार्थ में कुछ गड़बड़ करो, फिर देखना अपना ही पराया हो जाए, है ना? नहीं, हाँ, आज जो अपना है वही पराया हो जाएंगे। इसलिए परीक्षा करते रहो जगत को, प्रतीक्षा करते समय में जगत को परीक्षा करते रहो, अपने विचार को, अपने आचरण को भी नहीं, समीक्षा करते रहो, एनालाइज, आपने को, आपने क्रिया कर्म आपने जो करें उसको समीक्षा करते रहो कि व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग राइट। आपने को समीक्षा करो, संसार को परीक्षा करो, भगवान के लिए ओके, देन यू आर ओके, ओके, हाँ, हाँ, समझ में, ओके, यस, व्हाट यू आर हाँ, उनका भी हो गया, ठीक है जी। गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं तो गुरु को पूछना पड़ेगा, मुझे क्यों पूछ रहे हैं, है ना? नहीं, जो जो गुरु हैं उनको खुश करना चाहते हैं, उनको पूछो, सर हाउ कैन आई प्लीज यू, हो सकता है उसको ठंडा पानी चाहिए कि काढ़ा चाहिए, है ना? किसको काढ़ा चाहिए होगा, किसको लस्सी चाहिए होगा, किसको चाहिए होगा, क्या, तो उनकी आवश्यकता उनको पूछना पड़ेगा, है ना? हाँ, केवल गुरु नहीं, किसी को भी प्रसन्न करने के लिए उनको जिज्ञासा करना पड़ेगा। अब साधारण तो प्रसन्न करने का जो नेचुरल प्रोसेस है, उनके फॉलो कर, उनका आदेश को पालन करना, उनका आदेश को पालन करने से खुश होंगे। आदेश को पालन नहीं करो, जिज्ञासा कर भी लो लेकिन करेंगे नहीं तो खुश होंगे क्या? नहीं खुश होंगे। खुश होने का, खुश करने का तरीका क्या है? फॉलो हिम, हाँ जी टीचर, उनका आदेश को पालन करो। केवल जान जाने से, पूछने से कुछ होगा नहीं, करना पड़ेगा ना। आप लोग ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए सही क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। यस, भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? अरे यही तो बोला कि जिसको प्रसन्न तो उनको पूछो ना। भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे कर सकते? वेरी गुड। भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने का तरीका भगवान खुद कहते हैं कि मुझे कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। भगवद गीता के 12वां अध्याय के लास्ट 7-8 श्लोक देखिए, भगवान हर श्लोक बोलते हैं, इस प्रकार से मेरा प्रिय बन सकते, इस प्रकार मेरा प्रिय बन, अतीव में प्रिय, मेरा अति प्रिय बन सकता है, खुल खुल कर बोलते हैं। उस ले दे करके भगवान यही खुल करके बोलते हैं, मुझे तो खुश करना चाहता है, तू मुझे तो क्या खुश करोगे, तेरे अंदर योग्यता है क्या? तू गोवर्धन से हो, तू क्या कर सकता है मेरा? लेकिन अगर तू मुझे खुश करना चाहते हो, चाहती हो, तो मेरे भक्त को खुश करो जो तेरे जैसा है, है ना? भगवान के भक्तों को अगर खुश करो तो भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान हमेशा खुशी रहते हैं, उनको किसी का खुशी की जरूरत नहीं पड़ता है कि मुझे खुश करे, खुश करे, नो नो नो। लेकिन जिनका जरूरत है वो भगवान के है, उनको खुश करो। तो जस्य प्रसादात, जस्य अप्रसाद न गति कुतोपी, उनके खुश होने से भगवान खुश हो जाते हैं। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, तो इसलिए गुरुजनों को, हरिजनों को, भक्तजन को प्रसन्न करो, भगवान प्रसन्न हो जाए। और उनको आप प्रसन्न करके बोलो भगवान को प्रसन्न करेंगे, है गति ही नहीं आपका, किसी प्रकार से नहीं हो सकता। ओके,
ओके, आपका स्टैंडर्ड जितना था इतने समझ लिए और बाकी तो आगे चलेंगे नहीं, मैं क्या कहूँ। ओके, हमको कल सुबह जल्दी निकलना है, ये हमारा आज के चौथा क्लास है, क्या करूँ हमारा ही है, जहाँ जाता पूरा निचोड़ना चाहते हैं। स्क्वीज अप, सुबह से यहाँ से मंगल समय से उठ करके विजयनगर में कल कहाँ गली के अंदर पता नहीं किसके घर में, रात में जो 10 बजे उनके घर में घुसा, मैं बोला भाई रही क्या आ गए, है ना, एक फुट का उनका सीढ़ी था, यहाँ रहना है तो चढ़ के ऊपर गए विशाल महल, हो अचंबा। तो हाँ रात को रहे जैसे तैसे, रात की तरह सुबह जल्दी उठ करके 6 बजे गाड़ी पहुँच गया था, आज मेरे वाले ने 6 बजे गाड़ी भेजवा दिए थे आना है। और बस उठ करके तैयार हो करके, क्योंकि एक बाथरूम था और 7 आदमी थे, ये तो ब्रह्मचर्य आश्रम होता होगा ना, लेकिन अब ब्रह्मचर्य आश्रम में खुला टैप है भाई, पकड़ लो फटाफट नहा लो, लेकिन एक ही दरवाज़ा बंद करके एक ही लोग जाएगा, क्योंकि अटैच टॉयलेट कम बात है, अगर टॉयलेट बात अलग अलग होता तो भाई 2 आदमी चला ले काम। और 7 भक्त है, सभी को मंगला 6 बजे तक तैयार होकर निकलना है 5 बजे तक। अब इस प्रकार की समस्या आप लोग को होता है कि नहीं पता नहीं, तो तो इस समस्या में गुजरना पड़ा आज सुबह, गुजर करके मैं बोला कि भाई पीटो, अरे बैठा हूँ, अरे क्या कर, टाइम हो रहा है, गाड़ी आ रही, निकलना है, क्या जैसे तैसे करके निकल करे गाड़ी में बैठे। वो यहाँ पहुँचते ही, अब बाकी तो आपके सामने ही हो, सुबह गाड़ी से उतरा, अब माला पहना कर गला पकड़ लिए, सीधा आए तो उत्तर में बोला थोड़ा रूम के जाऊँ बाथरूम बाथरूम, नहीं गुरु पूजा लो, हाँ क्षेत्राधिपति है, इस क्षेत्र के अधिकारी हो, इस क्षेत्र में हमें मानना पड़ेगा, हाँ जी गुरु पूजा करें, पूजा करने गाओ, माला चढ़ाओ गाओ, गा करके मैं थोड़ा नहीं क्लास क्लेश। अरे वो चला, अरे वो क्लास खत्म होते ही भले दोपहर में हो रही क्लास, अब लंच खाने के गए, लंच खा करके तुरंत पानी पीने नहीं दिए, बोले क्लास, हाँ मैं यहाँ कर पानी पिया, पानी पीने की फुर्सत नहीं दी, प्लेट खींच कर उठा ली, बोले क्लास। वहाँ से आए मैं आकर के नहा धोकर फिर क्लास, तो ये चौथा क्लास हो चुका है। तो भाई एक ही व्यक्ति है सुनने वाला, तो आप बदलते रहते हैं, बैठे रहते हैं आराम से, भाई चिल्लाता तो वहीं रहा, हर क्लास में भजन गाना ही पड़ेगा, हर क्लास में सजाना पड़ेगा, कुछ कथा कहानी चटनी आचार डालना पड़ेगा, क्या करूं, पूरा निचोड़ कर छोड़ना चाहते हैं। अब जहाँ जाऊँ हमारा यही हाल, केवल यहाँ अजमेर में होता नहीं है, क्योंकि जहाँ अगर एक दिन के लिए गए वो तो पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। ज़्यादा यूज करेंगे नहीं, उद्धार करने के लिए जी, उद्धार करने के लिए मंथ में एक बार, बाप रे बाप। महीना के एक बार आने से तो आप घर में घुसने नहीं देंगे, फिर बोले बराबर आने लगा तो और क्या है, एक दिन भाई इतना बढ़िया बना के खिलाए पिलाए मला मुला पहना, ये तो भाई साल में एक दिन के लिए चलेगा ट्रीटमेंट, बराबर के लिए ये क्या हो गया। जो जो शादी करने के बाद जो दामाद होता ना दामाद, वो जो पहली बार ससुराल में जाता है फर्स्ट टाइम, तो उसका ट्रीटमेंट स्पेशल होता ना, पहली बार जब जाता है, अरे उनका विधि विधान के हिसाब बिल्कुल बाकायदा होता है ट्रीटमेंट, अगर वहाँ पर 4-6 महीना रुक जाए तो पूरे संसार में जितने कष्ट है
जितने दुख हैं उस दुख के सामने कोई नहीं हो सकता। ये नीतिकार कहें, शास्त्रकार ने कहे कि इतने बड़ी दुख और को हो ही नहीं सकता अगर 6 महीने से ज़्यादा दामाद ससुराल में रह जाए। सबसे बड़ी दुख है ना नहीं। ओके, आप लोग प्रसाद पाकर फिर जाना चाहते हैं है ना। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की।